मैं आपकी दोस्त प्रिया और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दोराही। तो मैं आपको ले जा रही हूँ आज ईस्ट सिक्किम में। ईस्ट सिक्किम में टूरिस्ट स्पॉट इन है और इन्हें कवर करने में आपको लगेगा पूरे एक दिन। तो तीन स्पॉट हैं, झंगू लेक, बाबा मंदिर और नथला। तो इन तीनों में नथला सबसे ऊपर है जो 14,000 फीट ऊपर है। गाइस ये देखो, ये है इंडिया और चाइना का बॉर्डर। इधर ये जो लाइन देख रहे हो, इधर इंडिया खत्म हो रहा है, उधर से चाइना शुरू हो रहा है। वो देखे इंडिया फ्लैग, वो चाइना फ्लैग। और यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने की, तो वही है फार्मूला यूज़ किया जा रहा है कपूर सुनने का। देखिए ठीक है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सफोकेशन हो रहा है मुझे। तो ऊपर गई थी, ज़्यादा हो रहा था, यहाँ थोड़ा बेटर है, ठीक है। लेकिन अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है सबको। देख रहे सब लोग मज़े कर रहे हैं, देखिए काफ़ी। जो अभी आए तो प्रोडक्शन के साथ आए, अच्छे से इंजॉय करें। और हमने यहाँ नथला आए थे तो नथला बॉर्डर पे, तो हमें ये विजिट सर्टिफिकेट मिला है कि हम भी आए थे। तो ये देखिए, आप भी आएंगे तो आपको भी मिलेगा। का 120 प्राइस दिया गया है। आप देख रहे हैं मैं कितना कुछ कैद हूँ कपड़ों में। और उधर देखिए कितना खूबसूरत सीन बादलों का, कितनी अच्छी वादियाँ हैं इधर में। लाइक मुझे बहुत, मैंने ये जो ऊपर आने का, हम हैं 14,000 फीट ऊपर और जो ये जो रूट है ये ऊपर आने का इतना खूबसूरत है कि मज़ा ही आ जाएगा आपको। मुझे यहाँ से ज़्यादा, मैं वो रोड ट्रिप में मैंने ज़्यादा इंजॉय किया। तो आपको भी दिखाएंगे हम रोड ट्रिप पूरी तरह से, वो सब कुछ रहेगा। तो चलिए अब आगे का और सीन दिखाते हैं आपको, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अब थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं ज़्यादा एनर्जी नहीं लॉस करूँगी, बस आपको सारा सीन दिखाऊँगी, व्यू वगैरह सारा दिखाऊँगी। फिर बाबा मंदिर, चलिए मैं आपको बताती हूँ बाबा मंदिर की स्टोरी। सबका मानना है जैसे कि उनकी आत्मा आज भी जिंदा है, आज भी ड्यूटी पर है। जैसे सब बताए कि हमें कि वो छुट्टियों में आज भी उनका लैगेज वगैरह घर जाता है, ट्रेन में एक प्रॉपरली टिकट उनकी बुक होती है घर जाने की, बस छुट्टियाँ खत्म होते ही वापस भी आती है। कोई भी मीटिंग हो इम्पोर्टेंट तो उनको उस मीटिंग का एक इम्पोर्टेंट मेम्बर समझ के उनके लिए एक चेयर रख दिया जाता है उनके सम्मान के लिए, उनकी यहाँ तक कि उनकी महीने की सैलरी भी जाती है उनके घर। तो ये सब चीज़ें देख के, मतलब सुन के बहुत अचंभा हुआ और अच्छा भी लगा कि कितना फक्र हुआ अपने जवानों पे कि मतलब वो आज भी वो ड्यूटी पर है। और उनको शायद बोला भी जाता है उनको कि अगर वो छुट्टी ले ले तो बोलते नहीं, मैं हमेशा ड्यूटी यहाँ करता रहूँगा। If you are.
खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हिरनी मेरी है, हिरनी मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनों ने दसना। और तीसरा झंगू लेख है। मैं फकीर तेरे गुरबत का, तुझसे तू मांगो रे, तू श्रृंगार मेरा, तू है मां। गाइस, हम लोग झिंगू लेक में हैं और यहाँ पे याक राइड होता है और यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनाया जाता है। आप आइए और राइड्स कीजिए, फोटो खिंचाइए और मजे करिए। जरूरी बात, यहाँ जाने के लिए आपको लगता है एक परमिट जो आपको ट्रिप के एक दिन पहले किसी ट्रैवल एजेंट से बनवाना पड़ेगा। आपको गाड़ी व्हीकल वगैरह भी वो ये एजेंट के थ्रू मिल जाता है। पर पर्सन 800 से 1000 रुपये पड़ जाएंगे पर पर्सन। अगर हाँ, अगर आप अपने ग्रुप के साथ गए हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गए हैं, तो अगर आप एक पूरा प्राइवेट गाड़ी बुक करते हैं तो आपको 6 से 7 हज़ार रुपये पूरे मिल जाएंगे। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। नज़्म नज़्म सा मेरे। अगर आप अपनी गाड़ी ले जाना चाहते हैं तो गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपके नाम पे है तो आपको परमिट आराम से मिल जाएगा, एजेंट के थ्रू मिलेगा, जो कि 1000-2000 में हो जाता है। और बाइक भी अलाउड है वहाँ, आपका बाइक है और आपके नाम पे है तो आप वो भी अलाउड है। बस रेंट पे नहीं होनी चाहिए गाड़ियाँ और बाइक, खुद के नाम पे होने चाहिए। इंतजार था इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हिरनी मेरी है, हिरनी मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना। और एक बात, परमिट बनाने के लिए आपको आधार कार्ड नहीं चलेगा, आपको वोटर कार्ड और दूसरा पासपोर्ट, ये दो ही वहाँ आईडी का काम करेंगे। दो फोटो होनी भी चाहिए साथ में पासपोर्ट साइज, जो कि वहाँ जरूरत पड़ती है परमिट के टाइम। कैसे तू सोना बेमाई मेरा।
सिक्किम सीरीज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एक थम्स अप दे दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। गाइस मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है तो मजा आ रहा है ना, सच में बहुत मजा है। एंजॉय अभी आई और एंजॉय करिए, बहुत मजा आ रहा है। लव इट जाहिर है सिंह तेरा परछाई।